15 जनवरी 2023 मकर संक्रांति का मुहूर्त प्रातः 7:26 से 9:26 तक स्नान ध्यान दान पूर्ण करने का है। किन किन राशि वालों के लिए मकर संक्रांति के दिन शुभ हैं और किन राशि वालों के लिए अशुभ हैं, जानते हैं इस विषय पर विस्तार से आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री राजगढ़ झांसी वालों। जय जय श्री राधे कृष्णा। ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री झांसी। आइए चर्चा करते हैं हम लोग मकर संक्रांति के विशेष पर्व पर। आप सभी को ज्ञातव्य यानी कि पता होगा ही कि मकर संक्रांति पूरे वर्ष में एक बार पड़ने वाला एक बहुत बड़ा पर्व या त्यौहार है, लेकिन व्यक्ति संसार के लोग कम समझते हैं इस बात को। वह जानते हैं कि मकर संक्रांति आएगी तो घर में खाने के लिए लड्डू इत्यादि बनाए जाएंगे और इसी को मकर संक्रांति कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है कि संक्रांति तो हर महीने पड़ती है 14, किंतु मकर संक्रांति वर्ष में एक बार पड़ने वाला एक बहुत बड़ा त्यौहार है। कहते हैं जब धनु राशि में भगवान सूर्य विश्राम करके और मकर राशि में प्रवेश करते हैं जिस क्षण, उसी क्षण को मकर संक्रांति कहते हैं। माघ मकर रविगत जब हुई तीर्थ प्रयाग करें सब कोई। कहते हैं मकर के सूर्य जब प्रारंभ हो जाते हैं तो यज्ञादि एवं विवाह इत्यादि के विशेष कार्य पूर्ण रूप से प्रारंभ हो जाते हैं, एवं जो भगवान सूर्य दक्षिणायन और उत्तरायण होते हैं वह मकर संक्रांति की पहले तक दक्षिणायन होते हैं और उसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। उत्तरायण सूर्य उत्तर गोले, आपने पंचांग में देखा होगा पृष्ठ के ऊपर। तो मकर संक्रांति का बड़ा महत्व है दान पुण्य स्नान का। किसी तीर्थ में गंगा यमुना सरयू मैया आदि नदियों में स्नान करने का करोड़ों गुना पुण्य लाभ प्राप्त होता है। इस बार मकर संक्रांति किन किन राशियों को शुभ है मैं आपको बताता हूं। आपके लिए जो अशुभ राशि है मकर संक्रांति के दिन, जिनको संक्रांति कर्री कहते हैं, वह है मकर, कन्या और वृक। इन तीन राशि वालों को अशुभ है। बाकी जो शेष राशि है मेष मिथुन कर्क सिंह तुला वृश्चिक धन कुंभ और मीन, इनके लिए लाभ शुभ फल प्रदान करने वाली हैं। आपको चाहिए कि मकर संक्रांति के दिन किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर के स्नान करें। ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्, अथवा ओम घृणी सूर्याय नमः, इस बीज मंत्र का जप करते हुए स्नान करें। स्नान के समय काले तिल इत्यादि आप अपने शरीर में लेपन करें तो आपको मकर संक्रांति के स्नान का पूर्णतः फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों का मत है। इसलिए मकर संक्रांति का जो स्नान का समय है वह सुबह 7 बजे से और 9:26 तक 15 जनवरी को रहेगा। बाकी दान पुण्यादि इत्यादि का जो कार्य है वह शाम को 4:33 तक पूरा पर्व रहेगा। इस प्रकार से आप लोग प्रातःकाल बेला में स्नान करें और भगवान श्री नारायण एवं भगवान सूर्य की आराधना करें। इस दिन खिचड़ी दान करने का एवं खिचड़ी खाने का बड़ा ही महत्व है। काले तिल, खिचड़ी, दाल चावल और तिली के लड्डू चढ़ाने का और खाने का बड़ा ही महत्व है। इसलिए इस प्रकार से आप लोग इस कार्य को संपन्न करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए तंत्र तंत्रों से संबंधित स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री, राजगढ़ झांसी।
देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।